हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पोस्चर को सही रखने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो आज हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पोस्चर है वो ख़राब क्यों हो जाता है? बहुत सारे रीज़न है। अगर आप सिटिंग में प्रॉपर नहीं बैठते हैं, स्टैंडिंग में प्रॉपर नहीं बैठते, आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको लैपटॉप पे काम करना होता है झुक के, इस तरीके की बहुत सारी रीजन्स है जिसकी वजह से आपका पोस्चर है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आपका जॉब इस तरीके का है या आपका पोस्चर सही नहीं है, तो उसको सही करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि जब पोस्चर ख़राब होने लगता है तो हमारे कुछ मसल्स हैं वो टाइट होने लगती है, शॉर्ट होने लगती हैं। तो हमें इस तरीके की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिससे उन मसल्स की लेंथनिंग हो और आपका पोस्चर है वो प्रॉपर सही रहे। तो उसके लिए देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेज करते हैं तो डेफिनेटली आपका पोस्चर है वो हमेशा सही रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 1, चेस्ट ओपनर। इसमें क्या करना है, हैंड्स को पीछे लगाना है हेड के और एल्बो को इस तरीके से क्लोज करना है एंड ओपन करना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। जब आप हैंड्स को पीछे लेके जाते हैं, ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है। काउंट करेंगे आप 5 तक, तब तक आपको रोक के रखना है, उसके बाद आपको क्लोज करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 15-20 टाइम्स करनी चाहिए और दिन में 2 बार करनी चाहिए। होल्ड करना ना भूलें, क्योंकि होल्ड अगर करते हैं तो उससे ये एक्सरसाइज है बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो अपर बैक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और प्लस आपके पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज नंबर 2, वॉल स्लाइड्स। इसमें क्या करना है, हैंड्स को वॉल के सहारे से, दीवार के सहारे से लगाकर बैठना है और इस तरीके से आपको हैंड्स को ऊपर ले जाना है, जॉइन करना है और वॉल के सपोर्ट से ही आप दीवार पे टच रखें आप अपने हैंड्स को और इस तरीके से नीचे लाना है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाना है, एल्बो का वहाँ पे 90° एंगल बनना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आप 15-20 बार करें, दिन में 2 बार करें। ये एक्सरसाइज भी आपके पोस्चर को सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एक्सरसाइज नंबर 3, टेबल टॉप लिफ्ट। इसमें क्या करना है, आपको अपनी बैक को लिफ्ट करना है। इस तरीके से बैक स्ट्रेट रहेगी जब आप उसको लिफ्ट कर दें, हैंड्स आपके पीछे रहेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी जो कोर मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो आपको ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये एक्सरसाइज आपको 10-12 बार करनी है और दिन में 2 बार करनी है। आप जब लिफ्ट करते हैं तो 2-3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। एक्सरसाइज नंबर 4, ब्रिजिंग एक्सरसाइज। यानी कि इसमें हमें ब्रिज बनाना है अपनी बॉडी से। तो क्या करना है, आपको सीधा लेटना है, दोनों हैंड्स हैं आपके हिप्स के नीचे जॉइन करके रखना है और आपको अपनी कमर को उठाना है। जब आप कमर उठाते हैं तो वहाँ पे 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो ये एक्सरसाइज और भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है और आप 10-12 बार ये एक्सरसाइज करें। इससे आपके पोस्चर को करेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है और आपकी बैक मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, यानी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, जो कि पोस्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज नंबर 5, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से क्वाड्रीपोड पोजीशन बनानी है और फिर हैंड्स को ऊपर ले जाना है। जब हैंड्स आप ऊपर ले जाते हैं तो आपको अपने हैंड्स को देखना है, आपका जो हेड का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो आप भी ऊपर की तरफ देखें। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी है वो ट्विस्ट होती है, जो कि आपके जो पोस्चर को सही करने के लिए हेल्पफुल रहती है। क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग होती है,
कुछ मसल्स होती हैं वो टाइट भी हो जाती हैं, शॉर्ट होने लगती हैं अगर आपका पोस्चर सही नहीं रहता है तो। अगर आप ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको स्ट्रेचिंग फील होती है जो कि आपके पोस्चर को करेक्ट करने में, मसल्स की लेंथनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये एक्सरसाइज भी आप 15 से 20 बार करें और आपको पोस्चर को सही करने में हेल्पफुल रहेगी। लास्ट एक्सरसाइज है कैट एंड काउ। इसमें कैट एंड काउ जैसे पोजीशन बनाना है आपको। हम पहले हम बनाएंगे और नेक अंदर की तरफ होगी तो हमारा जो स्पाइन है उसका हम बनेगा, और जब हम ऊपर देखेंगे तो हमारे स्पाइन में कर्व बनेगा। तो इस तरीके से ये आपको दोनों पोजीशन बनानी है। एक पोजीशन पे आपको 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, उसके बाद हम दूसरा पोज बनाएंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज भी आप 10 से 12 बार करें और बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये आपको पोस्चर को सही करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पोस्चर है वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको होल्ड करना है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, एक पोज पे आप 5 सेकंड्स के लिए होल्ड रखें। तो फ्रेंड्स ये थी सारी एक्सरसाइजेज, आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर आप ये एक्सरसाइजेज करते हैं तो डेफिनेटली आपका पोस्चर है वो ख़राब नहीं होगा और धीरे धीरे सही होने लगेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।